डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। इस सवाल में हमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2500 है और यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या के चार गुना हो, प्रथम संख्या दूसरी संख्या के चार गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो हमारी दूसरी संख्या है वो x है, तो प्रथम संख्या क्या है वो हमारी चार गुना हो जाएगी यानी कि वो 4x हो जाएगी। और हमें दे रखा है कि दोनों का गुणनफल, पहली और दूसरी वाली संख्या का गुणनफल जो है वो जो है हमारा 2500 के बराबर है। तो यहाँ से इसको हम अगर हल करेंगे x के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा 4x² बराबर 2500, ये चार जो है उधर भाग हो जाएगा, तो भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x² बराबर x^2 बराबर 2500 बटे 4। और x का मान निकालने के लिए हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 25x बराबर वर्गमूल में 25 × 100 बटे 4, और ये 4 से कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, यानी 25 वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, यानी दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या वो हमारा कितना हो जाएगा 25, और पहली संख्या इसके 4 गुना है यानी कि 4 × 25 यानी कि हो जाएगा हमारा पहली संख्या हो जाएगी 100, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 25। और हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का जो है योग क्या होगा, तो 100 और 25 का योग हमारा जो है 125 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।